करती है। राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हैं। विपक्षी नेताओं की तो यहीं पर पोल खोल रही है ना, आप लोग बार बार विपक्षी नेता ये कांग्रेस वो तमाम दल 18 दल समर्थन यहीं पर देखिए, ये पूरब जा रहे हैं वो पश्चिम जा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे आप लोग नरेंद्र मोदी से जिसके खिलाफ आप लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगाकर और राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। लड़ाई तो लोकतांत्रिक तरीके से ही होगी, जनता के बीच में सारी बातें जाके बताई जाएंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी शामिल हो जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, उनके खिलाफ ना ईडी कार्रवाई करती है ना सीबीआई ना इनकम टैक्स। दर्जन भर नाम अब तक गिनवाए जा चुके हैं और मैं यूपी का बता दूं, अभी जो इलाहाबाद शूट आउट हुआ है उसमें जो माफिया का परिवार आरोप लगा रहा है एक मंत्री के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार में कि हमने 5 करोड़ रुपए इन्हें दिए थे, और वो ये भी खबर है मीडिया के अंदर कि इन्हें असली दोषियों को बचा दिया जाएगा, छुटभैयाओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। सवाल केवल ये, संदेह यहां पैदा होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो तो एक एक तरफा ना हो। जो भारतीय जनता पार्टी में जैसे हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया या शुभेंदु अधिकारी का लिया और बहुत दर्जनों नाम है कि उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी, आप कह रही हैं कि वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है। हाँ। लेकिन ईडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। हाँ। कार्रवाई तो ईडी ने शुरू की थी और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए फाइल पता ही नहीं चलता कहां चली गई। ईडी ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी है तो उधर से करवा लें, मामला तो होगा ना, जांच करवा लें। लेकिन जो तो हुआ है, जो धांधली की जा रही है प्रश्न, वो भी तो प्रश्न आप उनसे भी तो पूछिए जो इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। हाँ। उनसे भी तो प्रश्न पूछिए कि किसान बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी उनके खिलाफ, कहीं अरेस्ट करो और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो पाक साफ हो गए, किस मुंह से कहते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में एक एमएलसी के ऊपर आरोप था, भारतीय जनता पार्टी जुलूस निकाल रही थी, इन्होंने 100 करोड़ की जमीन कब्जा रखी है एलएनसी, और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए फाइली पता नहीं कहां गया। के शर्मा जी तो ये जो पूरा देश देख रहा है। हाँ। ये बात जनता के बीच ले जाई जाएंगी। बोलिए के शर्मा जी। अजीत पवार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हाँ। मुझे बहुत आश्चर्य है कि जो इतना बड़ा माफिया अतीक अहमद है, इतनी बड़ी हमदर्दी है भाटिया साहब को, भाटी साहब को बहुत बड़ी हमदर्दी है। अरे सुन लो, आपने रामगोपाल हमदर्दी है हमारी पार्टी में, क्या आपकी पार्टी में रामगोपाल के साथ बयान सुना आपकी सरकार में आप चलाने लगते हो, क्योंकि मैं सच्चाई बोल देता हूँ आपको तकलीफ हो जाती है। सच्चाई तो आपसे दूर दूर रहती है, सच्चाई तो आप नजदीक भी नहीं रखते हैं। हमने कौन सी हमदर्दी दिखाई है पूरी डिबेट में, कोई हमदर्दी दिखाई है? ठीक है, एक करके सर उनको बोलने दीजिए। सुनिए सुनिए जनाब, हमदर्दी तो आपने सदन के अंदर दिखाई, आपके नेता ने बाहर निकल के दिखाई। रामगोपाल यादव जी का बयान सुनिए, उनको बचाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, आपके संरक्षण में है, तो इनको आपको बड़ी तकलीफ होती है जब उन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि आपका चरित्र भी वही है, आपका चरित्र भी माफियाओं का ही चरित्र रहा उत्तर प्रदेश में, इसीलिए जनता ने बाहर कर दिया। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि बाकी मत बताइए, बाकी जो है स्थिति आप कह रहे हैं कि वहां ईडी, अरे जहां आपको लगता है जाइए ना, आपको आपके पास भी तो खुला हुआ है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, आपको तो राम जमीन पर रामचरित मानस पाड़ना है, उसे आग लगाना है, जातिगत जहर को ना कहां घूमोगे शर्मा जी, जवाब दे नहीं पाओगे सवालों के, कहां घूमोगे? इसलिए जमीन पर ये नहीं कर सकते आप, जमीन पर आप जो कह रहे हो ना जमीन पर जवाब देना पड़ेगा। हाँ। वो आप नहीं करोगे, आप ये करोगे। झा जी जल्दी से एक लाइन में आपसे मैं जवाब चाहूंगी, ये जो ईडी के सवाल है कि पैसों का लेन देन हुआ या फिर नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे सवाल जो ईडी की ओर से रखे गए अदालत में, उसका जवाब देने से आम आदमी पार्टी क्यों बचती है? फिर आप लोग शिक्षा की तरफ लेते जाते हैं शराब घोटाले को, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। हम तो बिल्कुल नहीं बच रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आए और बताएं कि मनीष जी के यहाँ 500 जगह छापा मारा, कितने पैसे मिले।